करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 1 दिसंबर 2023, द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कल कैसे बिहेव किया करेंसी पेयर्स में। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 103.3, ये आपका 102.50 लेवल से बाउंस बैक पिछले 2 दिन में, दैट मीन्स 29th एंड 30th नवंबर को ये लो लेवल से बाउंस बैक है। ये जो बाउंस बैक का लोकेशन है, ये आपका जुलाई अक्टूबर का जो एडवांसमेंट है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट। सो इट्स ए वेरी क्रिटिकल लेवल जो हमने कल डिस्कस भी किया था हमारा प्री मार्केट एनालिसिस पे। सो उसी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। द कंसर्न इज द योर आरएसआई, डेली आरएसआई करेंटली 38.33, फ्रॉम बिलो 40 इट टुक रेजिस्टेंस एट 40 एंड जस्ट स्लाइटली बिलो दैट। व्हाट इट मींस, यहाँ पे देखना है इसको, अगर ऊपर जाना है तो आरएसआई 40 के ऊपर जाना पड़ेगा, एल्स सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन में टेक प्लेस। क्विकली अगर प्राइस देखेंगे, जो आज लास्ट डे है हफ्ते का, सो आज का प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और द क्रूशियल। बट अभी के लिए ये जो क्विकली प्राइस बना है, दैट इज एपिन बार एट 61.8%। सो आज का प्राइस एक्शंस देख लेते हैं, अगर ऐसा ही कुछ चले जाते हैं प्राइस एक्शंस इन सच केस, बहुत अच्छा एक बढ़िया अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज का प्राइस एक्शन बहुत क्रूशियल है। डॉलर रुपी नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। सो साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है, करेंटली इट इज अराउंड 83.30 लेवल्स। सो जब तक एक स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं दे देते हैं, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं। जीबीपी डॉलर भी ये आपका क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल था 1.273050 लेवल्स का जो रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल से रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये जो लेवल है इट्स वेरी क्रिशियल, बिकॉज ये भी जुलाई अक्टूबर डिक्लाइन का 61.8% रिट्रेसमेंट, एंड वीकली भी प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड काफी क्रूशियल है। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में हमें अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन को और 2-4 दिन मॉनिटर करना है। जीबीपी आईएनआर में भी एक रिट्रेसमेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया था 106.05 से 106.30 लेवल, उस लेवल से कल और परसों 2 दिन रिट्रेस किया हुआ है। सो दैट मीन्स द केस, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी हमें थोड़ा सा प्राइस को इंतजार करना है, देखना है क्या ये कल के जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना हुआ है उस नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करते हैं या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन थिंक अबाउट समथिंग। सो आपका आज का प्राइस एक्शन हम देख लेते हैं। यूरो डॉलर भी सिमिलरली 2 दिन बैक टू बैक रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी ये जो रिट्रेसमेंट था रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर में था, ये आपका जुलाई अक्टूबर का जो डिक्लाइन था उसका 61.8% से थोड़ा ऊपर जाके था, बट ये जो कैंडल है इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम का कुछ जरूरत नहीं। तो आपका ये जो प्राइस एक्शन है कल का जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। डेली आरएसआई एट 59.15, सो हमें देखना है कि आइए 60 में रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे आते हैं। वीकली आरएसआई इज आल्सो एट 60, सो यहां पे एक मींस यूरो डॉलर पे एज पर एज द टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बायस हमें मिल रहा है। सो अभी
नेगेटिव बायस का मतलब ये नहीं कि धनाधन सेल कर दें, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को देख के सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। यूरो आइनर में भी सिमिलरली एक नेगेटिव बायस बन रहा है, अभी कल के जो लो है उसके लो के नीचे अगर जैसे ही सस्टेन करेगा डाउनवर्ड बायस मिल सकता है। डॉलर येन जो डेली अभी है 148, सो हमें ये देखना है कि अभी डेली आरएसए क्या 40 में सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है या तो ऐसा प्राइस सेक्शंस का एट द मोमेंट हमें एनालाइज करना है। येन आईएनआर यहाँ पे कल एक अच्छा खासा नेगेटिव प्राइस दिया हुआ है, अभी इसका फॉलो थ्रू हमें देखना है क्या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या कंसोलिडेट करके वापस। सो एज ऑफ नाउ हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी 1.3543 ये कल अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड आज भी नीचे की तरफ जा रहा है। डेली आरएसए 40 ये वीकली जो है वीकली रेंज शिफ्ट है, तो डॉलर कैंडी में एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी टुवर्ड्स 1.34। ऑसी डॉलर 0.6609 कल 2 दिन ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है, अभी क्या ये इस 2 दिन का रिट्रेसमेंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर दोबारा हमारा जो टारगेट है 0.6720 0.6780 की तरफ उधर जाते हैं या नहीं ये हमें देखना। अभी आते हैं हमारा CNH 7.134 में आपका ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना रहा है, ऊपर की तरफ 7.16 नीचे की तरफ आपका 7.10, ये जोन के बाहर निकलना पड़ेगा टू गिव ए क्लियर डायरेक्शंस क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली अगर क्लू लेते हैं तो आरएसआई वीकली आरएसआई इज अप्रोचिंग 40 करंटली 43.03, सो नीचे के तरफ 40 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनना चाहिए। ब्रेंट क्रूड 82.23 फ्यूचर जो है आपका 30th नवंबर थर्सडे को एक अपवर्ड बायस देखा गया था लेकिन आज मॉर्निंग से ही एक नेगेटिव बायस देख रहे हैं। सो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है 84.50 ऑन द हायर साइड एंड 78.5-79 ऑन द लोअर साइड, इस जोन को क्लियर करने देते हैं उसके बाद हम सोचेंगे क्या होता है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी ये करेंटली एट 4.33 ये सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स बनाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है क्या ये और थोड़ा टाइम पास करते हैं या ऊपर की तरफ बायस जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा टाइम पास करते हैं तो आने वाले दिनों में फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा और अगर स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाते हैं फिर हमें रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना पड़ेगा। यूएस 2-ईयर ट्रेजरी आपका जो है करेंटली 4.68 ये भी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके अभी इंतजार कर रहा है क्या करें। यहाँ पर भी में दो अप्रोच लगाना है, दो अप्रोच का क्या है या क्या ये एक जोन बना के कंसोलिडेट करता है, इन सच केस कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो एक डाउनवर्ड प्रेशर हम देख सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन ना करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं इन सच केस हमें 4.83 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा ये अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आल्सो दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल ए जेंटल रिमाइंडर प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।